अफसर कब आएगा, ये अफसर कब आ गया, किसने इस अफसर को देखा, कि उन करूबों का जो वर्णन है उसका अफसर जो है वो कहाँ देखने को मिलता है। यही तो चीज है, हम लोग कहते हैं ना वो तो साहब इसराइलियों को दी गई है, वो तो इसराइलियों के लिए नहीं, इसराइलियों के लिए नहीं है, उनके भेद को तो समझे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम चौथे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 उरियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक के विषय में उसके 8वें भाग के विषय में सीखा था। आज भी हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक के विषय में सीखेंगे, उसके 9वें भाग के विषय में। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक पहले हम पढ़ लेते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। हम पिछले संदेश में बता चुके हैं कि इसके 3 भाग हैं, यानी 3 पॉइंट हैं यहां पर जो है, और हम पहले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर का मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। इसमें हमने पिछले संदेश में जो है पवित्र स्थान में रखी मेज और उस पर रखी रोटियों के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे महापवित्र स्थान के बारे में। जी हां, महापवित्र स्थान के बारे में सीखेंगे। महापवित्र स्थान के में जो है मुख्य रूप से 2 चीजें थी, एक था वाचा का संदूक और दूसरा था धूप वेदी। ये 2 चीजें जो थी महापवित्र स्थान में रखी हुई थी। वाचा के संदूक में जब आप इब्रानियों 9 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वाचा के संदूक में 3 चीजें थी, इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तवान और हरून की छड़ी और वाचा की 2 पट्टियां थी। परंतु जो वाचा के संदूक की पहचान थी वो परमेश्वर ने जो 2 पट्टियां, साक्षी पत्र जिसे वाचा की पट्टियां कहा गया है, उससे थी। इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। एक बात और ध्यान करें कि ये जो पत्थर की 2 पट्टियां थी ये 2 बार मुख्य रूप से लिखी गई। पहली बार जो लिखी गई आप निर्गमन 24:12-18 और व्यवस्था विवरण 9:9-11 तक आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बार जो लिखी गई है निर्गमन 34:28 और व्यवस्था विवरण 10:1 जो है पढ़ सकते हैं। क्यों परमेश्वर ने इसे 2 बार लिखी? कुछ विशेष कारण था और दोनों बार परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी, दोनों बार, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब पहली बार लिखी तो इजरायली जो थे एक बछड़ा बनाकर उसकी आराधना उपासना करने लगे थे, और परमेश्वर ने जब मूसा को बताया और उसको नीचे भेजा, जब मूसा उतरा पर्वत से तो वो बहुत नाराज हो गया और इतना क्रोध में भर गया ये सब चीजें देखकर कि उसने जो था वो दोनों पट्टियां जो थी वहीं पटक के तोड़ दी और वो टूट गई। फिर परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसके बाद उसने कहा कि पहले के समान पत्थर की 2 पट्टियां फिर से गढ़ ले, मैं उस पर अपने वही वचन लिखूंगा जो तुझे पहली पट्टियों पर लिख कर दिए थे। अब जब मूसा दोबारा जाता है, मगर दोनों बार का समय जो है 40 दिन और 40 रात लगा। यह नहीं है कि परमेश्वर ने लिया और लिख के दे दिया, उसके जो 10 हुक्म जो लिखे गए थे उन पट्टियों पर, दोनों पट्टियों पर, उनके भेद को भी, उनकी गहराई को भी परमेश्वर मूसा को समझाता रहा। परमेश्वर मूसा को जो है वो समझाता रहा और दोनों बार 40 दिन 40 रात का समय लगा। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि दोनों बार मूसा ने ना तो खाना खाया 40 दिन तक और ना पानी, 40 दिन 40 रात तक ये जो है बड़ी
बहुत स्पेशल बात है इस वाचा के संदूक में। मगर एक बात ध्यान रखें, ये वाचा का संदूक जो था जिसमें वाचा की पट्टियां या साक्षी पत्र जो रखे गए थे, ये सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं था। अगर सिर्फ इसराइलियों के लिए होता तो प्रकाशित वाक्य में दो बार जो है वाचा का संदूक का जो दर्शन है, जो खोला गया है, वो यूहन्ना को दिखाया गया है। आप इसी को जब हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पढ़ते हैं, आप 11 अध्याय के 19 पद को पढ़ लीजिएगा, वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का मंदिर खोला गया और उसमें यूहन्ना को वाचा का संदूक दिखाई दिया इसी अध्याय में। इसका मतलब क्या है? ये समस्त पृथ्वी वासियों के लिए परमेश्वर की यह वाचा थी जो उसने परमेश्वर के लोगों से बांधी है। यहां परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, हम सीखेंगे अभी इसके बारे में। यहां पर जो है संदूक की नापतौल भी बताई गई है कि उसकी नापतौल क्या है, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, और उसके अंदर बाहर सोना जो है वो मढ़ा गया था। आप जब आप पढ़ेंगे निर्गमन 25 अध्याय 10 से 16 तक, और ये बबूल की लकड़ी के द्वारा जो है ये बनाया गया था। इसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। ये वाचा का संदूक जो था ये साक्षी का संदूक भी कहलाया जाता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है इस संदूक की। वाचा के संदूक के ढक्कन की विशेषता जो है ये हम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि जब एक संदूक है तो नॉर्मली बात है उसका जो ढक्कन है वो कुछ अलग नाम तो नहीं होगा, है संदूक का ही ढक्कन कहलाया जाएगा। परंतु इस वाचा का जो संदूक था इसका ढक्कन जब बनाया गया तो इसका नाम अलग था, इसके ऊपर जो बनाया गया वो चीजें अलग थी, उनका अर्थ अलग था, उनका भेद अलग था। और ये जो है इन चीजों को समझना है कि उस संदूक की सेवकाई आज भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। और वो जो ढक्कन है उस ढक्कन का नाम क्या था? प्रायश्चित का ढक्कन। जी हाँ, प्रायश्चित का ढक्कन जो है वो कहलाया जाता था। निर्गमन 25 अध्याय उसका 17 से 22 तक आप पढ़ लीजिएगा। निर्गमन 25 के 17 में उसे प्रायश्चित का ढक्कन कहा गया है और उसकी लंबाई चौड़ाई भी दी गई है। 2.5 हाथ जो है लंबाई है और चौड़ाई उसकी 1.5 हाथ की चौड़ाई उसकी दी गई है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बता रहा है। जब निर्गमन 25 अध्याय उसका 18 से 20 तक पढ़ेंगे तो ढक्कन के ऊपर दो करूब बनाए गए थे। अब बड़ा ध्यान करना है, इन जो पॉइंट हैं इन पॉइंटों को बहुत ध्यान से सुनेगा। दो करूब बनाए गए थे, ये ढक्कन है, ढक्कन के इस सिरे पर एक करूब और ढक्कन के इस सिरे पर एक करूब बनाया गया और दोनों के पंख जो थे आपस में जुड़े हुए थे। और ये जो बीच में गैपिंग है, जो गैपिंग है, इस गैपिंग में परमेश्वर यहां आकर मूसा से जो है वार्तालाप करता था, बातचीत करता था। इससे इन दोनों करूब का जो रहस्य है उसको समझना है, उस गैपिंग के रहस्य को समझना है। इब्रानियों 9 और उसके 5 पद में, उनके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। अब देखिए क्या इब्रानियों की पत्री में लेखक क्या कह रहा है कि इनका एक एक करके वर्णन करना अभी अवसर नहीं है। फिर वो अवसर कब आएगा? ये अवसर कब आ गया? किसने इस अवसर को देखा कि उन करूबों का जो वर्णन है उसका अवसर जो है वो कहां देखने को मिलता है? यही तो चीज है। हम लोग कहते हैं ना, वो तो साहब इसराइलियों को दी गई है, वो तो इसराइलियों के लिए नहीं, इसराइलियों के लिए नहीं है। उनके भेद को तो समझे, उसके रूप को जो आज के समय में रूप है, वर्तमान समय में रूप है, जो मसीह के समय में रूप जो दिखाई देता है, उस भेद को समझे। सेवकाई खत्म होने का मतलब नहीं कि सब कुछ अंत हो गया व्यवस्था का। उन चीजों को समझें, क्योंकि दो व्यवस्था थी, एक मूसा के द्वारा लिखी हुई और एक परमेश्वर के द्वारा लिखी गई।
हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के द्वारा लिखी गई व्यवस्था के बारे में, जो वाचा के संदूक में थी और जो संपूर्ण मानव जाति के लिए थी। मूसा के द्वारा लिखी गई व्यवस्था को हम मानते हैं कि वो सिर्फ इसराइलियों के लिए थी, परंतु उस व्यवस्था का जो रूप है, वो जो आज हमें देखने को मिलता, उसका रूप अलग है। उसके उस व्यवस्था के अंदर जो बातें थी, जो चीजें थी, उनको भी समझना है, क्योंकि वो मसीह के साथ आकर आज के युग में जुड़ती हैं। बशर्ते उस समय जो क्रिया होती थी वो ना हो, परंतु आज की क्रिया का रूप अलग है, मगर वो रूप उसी में से लिया गया है, उससे अलग हटके नहीं लिया गया है। इन चीजों को समझना है और उस वर्शिप को जो है पवित्र स्थान की, उस वर्शिप को हमें उसी तरीके से करना जैसा परमेश्वर चाहता है। मगर उसने उस रूप को दिया है, कुछ बातों को जो है वो ध्यान में रखना। पहली ये कि ढक्कन प्रयाशित का ढक्कन कहलाता है। दूसरा ये प्रकाश सॉरी निर्गमन 25 का 21 से 22 पढ़ेंगे कि परमेश्वर उन दोनों करुबों के बीच में मूसा से वार्तालाप करता था। अब इस भेद को समझना, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में भी कहता है कि अभी अवसर नहीं है इनका वर्णन करने का। भाई अवसर अगर चलो उस समय इब्रानियों के समय में जिसने पत्री लिखी उस समय वर्णन करने का अवसर नहीं था, परंतु अब तो दुनिया के अंत के अंत में आ गए हैं, बिल्कुल दुनिया का अंत होने जा रहा है। जब दुनिया के अंत में आ गए तो अब तो इस अवसर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, मगर बहुत से मसीहों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इन दो करीबों को जरा देखेंगे कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद क्या होता है। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 12 पद, दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरियाने और दूसरे को पित्याने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। अब ध्यान दीजिएगा, वाचा के संदूक के ढकने के ऊपर, यानी प्रयाशित के ढकने के ऊपर प्रयाशित शब्द आया है। मैंने कहा था इसको याद रखना, एक करूब इधर था, एक करूब इधर था, और दोनों के पंख ऐसे आपस में जुड़े थे, और बीच में जो गैपिंग थी उसमें परमेश्वर जो है मूसा से आके वार्तालाप करता था। अब यहां पर जब यीशु मसीह जी उठा, अब इब्रानियों की पत्री में उन्हें तेजो में जो है वो करूब कहा गया, स्वर्गदूत कहा गया। अब यहां पर उज्जवल कपड़े पहने हुए स्वर्गदूत, यानी तेजो में स्वर्गदूत, वही तेजो में स्वर्गदूत कब्र के अंदर एक इस सिरियाने पर बैठा है, एक पित्याने पर बैठा है, जी हाँ दोनों, और बीच में गैपिंग है, खाली है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, वो वहां बीच में था, जैसे परमेश्वर जो था उन करूबों के बीच में होता था, ऐसे यहां पर प्रभु यीशु मसीह था। क्यों? क्योंकि वो प्रयाशित का ढकना था, जिसका वर्णन यहां दिखाया जा रहा है, जिसका जिसको यहां समझना है कि यीशु मसीह हम सबके पापों के प्रायश्चित के लिए मर गया। उसने हम सबके पापों का क्या करा? प्रायश्चित किया है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। आप पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 2 पद, यहां लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। देखिए, वाचा का वो संदूक, मैं पहले से कहता रहा हूं, वाचा का वो संदूक जो है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, क्योंकि वो प्रायश्चित का ढक्कन जो था उसका जो वर्णन किया जा रहा, उसका जो भेद है, यहां प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर आकर वो भेद खोला गया है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया? संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए उसने प्रायश्चित किया है। वो ढक्कन का जो भेद है वो यहां दिखाई दे रहा है, हमारे लिए प्रयाशित हो रहा, वो जो आप कह लीजिए या वो भविष्यवाणी जो है, जो परमेश्वर जो है प्रयाशित के ढक्कन के रूप में दिखा रहा है, वो यहां आकर पूरी। और इसलिए यीशु मसीह ने जब हमारे पापों के लिए प्रयाशित कर लिए, तो हमें उसी तरीके से अपने जीवन को जीना है, और इस सेवकाई को जो है हमें पूरी करना है। वाचा के संदूक पे जो प्रयाशित का ढक्कन था, परमेश्वर बातचीत करता था, परमेश्वर जो है अब उस बीच में से निकलकर हमसे बातचीत कर रहा है प्रभु यीशु मसीह ने, और इस महापवित्र स्थान की जो सेवकाई है इसको हमें पूरा करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में जो चीजें रखी गई हैं उनके भेद को समझें, ताकि हम अपने वर्शिप के कार्य को
आत्मा और सच्चाई के साथ वैसे ही पूरा करें जैसा परमेश्वर चाहता है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।